अंतर्राष्ट्रीय पावर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए चयनित धनबाद के बेकार बांध की महिला खिलाड़ी माधवी विलोचन को झामुमो के बागमारा प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुड्डू ने अपने आवासीय कार्यालय में चयनित खिलाड़ियों को बुके देकर और 1,25,000 रुपये का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। टुड्डू ने कहा कि यह गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित होकर झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। माधवी ने जितेंद्र जीतू को बताया कि 15 जुलाई से 21 जुलाई तक मालदीव में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि भारत से मात्र 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें झारखंड धनबाद के खिलाड़ी माधवी का चयन होना धनबाद के लिए गौरव की बात है। मौके पर पार्टी के लोग और समर्थक मौजूद रहे। पूरा कहानी क्या बताएंगे? इसमें पूरे झारखंड से लेकर मैं पूरा करके सिलेक्शन हुआ था मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ रतिलाल जी सर का, उन्होंने सपोर्ट किया और स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए इतना बड़ा सपोर्ट सहयोग होगा थे हमारे लिए। तो अगर ये जैसे हमने या हमारे जैसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो बिना कोई सहयोग के उनके दब के रह जाते हैं, और इतना बड़ा सपोर्ट बहुत है जिससे कि हम अपने शहर का, राज्य का और देश का नाम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम रोशन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप कहाँ से ट्रेनिंग? मैं मेरा बेसिक ट्रेनिंग धनबाद से हुआ था, उसके बाद प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग के लिए मैं उनके साथ चली थी।